गुड मॉर्निंग मनोजी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमारी क्लास। जैसा कि अपन इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर 12th इंग्लिश कंपलसरी में फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, वर्ड के मीनिंग सेकंड नंबर पेज पे जो फिफ्थ नंबर पैराग्राफ है जो स्टार्ट होता है द फ्लो ऑफ वाटर से स्टार्ट होकर डिस्ट्रक्टिव पावर तक कंप्लीट होता है, वहां तक कि अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मीनिंग देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एट प्रेजेंट अपन क्या कर रहे हैं, इसका हिंदी सॉरी इसके मीनिंग से सामने लिखे हुए हैं कुछ एक और कुछ एक लिखेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो द फ्लो ऑफ वाटर से स्टार्ट होकर पैराग्राफ जो कंप्लीट होता है डिस्ट्रैक्टिव पावर तक उसका मीनिंग से है। सबसे पहले है अनडाउटली निसंदेह है, बेनिफिशियंट लाभदायक, जियोलॉजिकल भूगर्भिक, प्रोसेसेस प्रक्रिया, सरफेस स्तर, रॉक्स चट्टानें, क्रस्ट गर्भ, एजेंसी माध्यम, एप्रोप्रिएट समुचित, कंडीशंस स्थिति, एग्रीकल्चर कृषि, अनचेक्ड बिना अवरोध के या बिना रोके, डिस्टेरियस विनाशकारी इफेक्ट्स प्रभाव, सोइल इरेक्शन भू कटाव या मिट्टी कटाव, सीरियस गंभीर, वेरियस बहुत सी कंट्रीज देश स्पेशली मुख्यतः, अक्योर्स घटित होना, मैश्योर्स उपचार, एंड डिजर्विंग यानी योग्य, एंड अननोटिस्ड यानी बिना ध्यान दिए या किसी और ध्यान नहीं दिया जाए ऐसी स्थिति अननोटिस्ड कहलाती है। अपन ने इतने मीनिंग लिखे हैं, अब जो इसके और बाकी मीनिंग है इसी पैराग्राफ के वो और लिखेंगे, तो देखते जाइए। तो आगे इसमें मीनिंग्स देखेंगे, लास्ट अपने मीनिंग जो थी वो क्या थी, अननोटिस्ड के बाद देखिए कटिंग अप यानी काट देना, वॉशिंग अवे यानी बहाकर ले जाना, पेनफुलिंग दर्दपूर्ण या दर्द युक्त या फिर दर्दनाक बोल सकते हैं इसको, एप्रेंट यानी प्रत्यक्ष, फॉर्मेशन निर्माण करना, डीप यानी गहरी, गलीज एंड रेवनेस यानी होते हैं गड्ढे, रेवनेस यानी क्या होते हैं गड्ढे, और गलीज यानी गलियारे यानी कि जल कटाव के कारण जो गड्ढे नुमा गलियारे होते हैं उसको गलीज एंड रेवनेस कहते हैं, गड्ढे जो गलियारे होते हैं उसको गलीज एंड रेवनेस कहते हैं। इम्पॉसिबल IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल यानी असंभव, ठीक है। ब्रश्ड यानी होता है तेज बुखार के साथ जो बारिश होती है उसको ब्रश्ड कहते हैं। एक्सेसिवली यानी अत्यधिक, हैवी रेन यानी भारी या तेज वर्षा, रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप, कैजिंग यानी कारण, कंट्री ब्यूटी सहायक, स्लोप यानी होता है ढलान, रिमूवेबल हटा देना या निकाल देना, प्रोटेक्टिव कोट यानी सुरक्षात्मक जो आवरण होता है उसे प्रोटेक्टिव कोट कहते हैं, सुरक्षात्मक आवरण, वेजिटेशन वनस्पति, एजिटेंस निकालना या उखड़ना, रूट्स यानी जड़ें, फ्लो यानी बहाव, और गैदरिंग यानी एक साथ समूह में या झुंड में यानी इकट्ठे करना भी इसका अर्थ होता है। आगे कुछ मीनिंग्स हो रहे हैं वो और देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए मोमेंटम गति, अब्सेंस अनुपस्थिति, चिक रोकना, क्वांटिटीज मात्रा, प्रीसियस यानी कीमती या मूल्यवान वस्तु, वॉस्ट अवे बहा ले जाना, अनहैप्पी नाखुश, कैश स्थिति या बाद, मेंस खतरा, कंटिन्यूस लगातार,
सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक, अलार्मिंग चेतावनी या फिर संकेतात्मक, अर्जेंटली शीघ्रता से, अटेंशन ध्यान देना, प्रिवेंटिव रोकथाम, एक्शन प्रतिक्रिया, ट्रेसिंग समतलीकरण, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, बॉन्ड्स बांध, प्रैक्टिस अभ्यास, काउंटर कल्टीवेशन सीढ़ी नुमा खेती, सजेस्टेड यानी सुझाया गया या सुझाव दिया गया, ओबीसियस स्पष्ट, एप्रेसिएबल उल्लेखनीय, कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरह से या तदानुसार, डिस्ट्रैक्टिव पावर हानिकारक शक्तियाँ। ये इस पैराग्राफ की लगभग पूरी की पूरी क्या हो गई है, मीनिंग कंप्लीट हो गई है। कौन सा पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ है, इसकी सारी की सारी मीनिंग्स है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अभी इसी का अब इसका अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे। आगे अपन पेज नंबर 2 पे जो 5 नंबर पैराग्राफ है उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। मीनिंग्स हमने सभी लिख लिए हैं, हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटली प्लेड अ ग्रेट पार्ट एंड अ बेनिफिशियल वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द सोयल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्मेड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट। द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटली प्लेड अ ग्रेट पार्ट, कि वास्तव में जो बहता हुआ पानी है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा या अपना एक बहुत निसंदेह है अपना एक बहुत बड़ा भाग है वो क्या करता है, ग्रेट पार्ट प्लेड यानी अभिनय करता है या एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इसमें अपना योगदान करता है। एंड ए बेनिफिशियंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, और यह वास्तविक रूप से भूगर्भिक प्रतिक्रियाओं में भी सहायक है। बाय विच द सोयल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्मेड फ्रॉम द क्रस्ट रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, कि पृथ्वी की सतह पर या जो पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो मिट्टी है वो चट्टानों और उसके गर्भ से लाई गई या वहां से बनाई गई मिट्टी है वो किसके द्वारा है, वो जल के द्वारा बनाई गई है। यानी ये बता रहा है कि इस लाइन में बताया गया है कि निसंदेह पानी जल है वो निसंदेह पृथ्वी की सतह पर बहुत ही ज्यादा या अपना एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहा है और बहुत जो भूगोलिक या भूगर्भिक प्रतिक्रियाएं हैं उसमें भी लाभदायक है। और ये जो भूमि की सतह पर मिट्टी है जो चट्टानों और चट्टानों के गर्भ वगैरह से लाई गई है वो जल के ही द्वारा लाई गई है। द सेम एजेंसी, इसी माध्यम से या बिल्कुल इसी माध्यम के द्वारा, हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रैक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सोयल विच इज द फॉर्मेशन ऑफ आर एग्रीकल्चर एंड इफ अलाउड टू प्रोसेस अनचेक्ड कैन हैव द मोस्ट डिस्ट्रॉयज इफेक्ट। कि बिल्कुल इसी माध्यम से जहां पर और यद्यपि इसने क्या है एक समुचित परिस्थितियों में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन यानी इसी प्रकार की समुचित स्थितियों में कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रैक्टिव पार्ट, यह एक बहुत ही भयानक भाग भी अदा करता है। कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रैक्टिव पार्ट, कि यह वास्तव में एक भयानक या विनाशकारी जीवन यापन या विनाशकारी भाग भी अदा करता है या विनाशकारी जीवन का विनाशकारी नाटक रूपी जीवन का अभिनय भी करता है। वो क्या है देखिए, एंड वॉश अवे द सोयल विच इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, और यह उस मिट्टी को बहाकर ले जाता है जो स्पेशली या विशेष तौर पर कृषि योग्य बनाई जाती है। एंड इफ अलाउड, और यदि इसे अनुमति दे दी जाए टू प्रोसीड अनचेक्ड यानी बिना रोके या बिना अवरोधक के आगे बढ़ने की अगर इसको अनुमति दे दी जाए, कैन हैव द मोस्ट डिस्ट्रॉयज इफेक्ट्स, ये वास्तविक तौर पर बहुत ही ज्यादा विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। क्या बताया इन दोनों लाइनों में बताया गया कि जल वास्तविक तौर पर पृथ्वी की सतह पर बहुत ही ज्यादा अपना मुख्य भूमिका निभा चुका है और भूगर्भिक जो प्रतिक्रियाएं हैं उसमें यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। और जिस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी है उसको बनाया गया, उसके निर्माण किया गया, कहां से
चट्टानों और उसके गर्भगरों से लाकर जिस मिट्टी का निर्माण किया गया है वो जल की सहायता से हुआ है। और इसी माध्यम से अगर अपन देखें, इसी माध्यम से अगर हम देखें तो यद्यपि इस समुचित परिस्थितियों में या इस पूरी परिस्थितियों में जल है वो वास्तविक तौर पर विनाशकारी भाग भी या विनाशकारी अभिनय भी करता है, और वह अपने साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है उसको बहाकर ले जाता है। यदि इसको ऐसे ही बिना रोकथाम के बहने दिया जाए तो वास्तव में ये बहुत बड़ा या बहुत विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये बातें इन दो पंक्तियों में बताई है। क्या क्या बताई है? कि जल वास्तविक तौर पर बहुत ही ज्यादा क्या है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है, और इसने बहुत बड़ी भूमिका है वो पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और भूगर्भिक जो हलचल है, भूगर्भिक प्रतिक्रियाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर भी जल ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है या लाभदायक योगदान दिया है। और जो मिट्टी कृषि योग्य मिट्टी या भूमि की सतह पर जो मिट्टी लाकर चट्टानों और उसके गर्भगरों से लाकर बनाई गई है वो जल के माध्यम से बनाई गई है, और इसी माध्यम से अगर हम समझे तो इसने जहां तक इसने बहुत अच्छा या लाभदायक कार्य किया है वहां पर इसने समुचित इसके विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न की थी की है कि इसने एक विनाशकारी रोल या विनाशकारी भूमिका भी अदा की है। और उस विनाशकारी भूमिका में इसने क्या किया है कि जो कृषि योग्य या कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी थी उसको बहा कर ले गया, और अगर इसको ऐसे ही बहा कर ले जाने दिया जाता या बिना किसी रोकथाम या बिना रोकथाम कोई भी रोकथाम के उपाय नहीं किए जाए तो ये वास्तव में एक विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। कौन? जल। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉयर्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री। डिस्ट्रैक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रॉयर्स इफेक्ट यानी विनाशकारी प्रभाव ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, एक देश के जीवन पर या देश की जो जीवन शैली है उस पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। आगे इस लाइन को थोड़ा सा अपने पढ़ा नहीं है, क्या बताया था? डिस्ट्रॉयर्स इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री की है, एक देश की जीवन व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। कौन? जल। अगर वह बहता रहे और अपने साथ जो कृषि योग्य भूमि है उसकी मिट्टी को कटाव करके ले जाता रहे और उसको अगर न रोका जाए तो यह वास्तव में एक भयानक कार्य हो सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ सोयल इरेशन इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज स्पेशली इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। कि जो भूमि कटाव की प्रतिक्रियाएं हैं, जो भूमि कटाव की प्रक्रियाएं हैं वो वास्तविक तौर पर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत सारे अभिन्न भिन्न देशों में या सभी लगभग सभी देशों में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और खास तौर पर अगर ये समस्या देखें तो अपन ये कहाँ पर है? भारत में है, इंडिया में यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसके क्या है? सोयल इरेशन की क्या है समस्या या उसकी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। द कंडीशन अंडर विच इट एक्यूर्ज एंड द मैश्योर्स वाई विच इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। द कंडीशन अंडर विच इट एक्यूर्ड एंड मैश्योर्स कि वह परिस्थिति जिसके अंतर्गत यह घटित होती है या इसके उपाय होते हैं, बाय विच इट कैन चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। तो इसको रोकने के लिए, हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। क्या बताया गया है? इसमें बताया गया देन कंडीशन अंडर विच इट एक्यूर्स एंड मैश्योर्स, यानी वह परिस्थिति जिसके अंदर इसको यह घटित होती है और इसके लिए उपाय किया जाना चाहिए, उसके लिए हम क्या उपाय में हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है या इस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। सोइल इरेशन एक्यूर्स इन सक्सेसिवली स्टेप द अर्लीस्ट ऑफ विच मैनी इजीली पास अननोटिस्ड। सोइल इरेशन यह भू कटाव की प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार से घटित होती है, इसके जो लगातार कदम है, बढ़ते जाते कदम है, सक्सेसफुली स्टेप्स यानी इसके निरंतर बहाव या कदम को बोल सकते हैं, स्टेप्स यानी होते हैं कदम, तो जो जल का बहाव होता है उसकी कदम नहीं होती, वो वैसे आगे बढ़ता रहता है। तो क्या बताएं कि इसके लगातार ये कब घटित होता है, सोइल इरेशन यानी मिट्टी का कटाव कब होता है, लगातार इसके जारी रहे कदमों से या लगातार इसके बहाव से
द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास्ड अननोटिस्ड, और खास तौर पर यह आसानी से बह जाता है जब इस पर इसको अगर बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाए तो, जब इसे बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाता है तो ये लगातार बहता रहता है। इन द लेटर स्टेज, और दूसरी स्थिति में अगर हम देखें, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पैनिकफुल अप्रियंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रिवॉल्व्स विच मेक्स ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। और इसके अलावा अगर निरंतर, इसके अलावा दूसरी स्थिति में अगर अपन देखें, द इन द लेटर स्टेज, यानी अगर उसको बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाए तो उसके बाद की जो स्थिति है वो क्या होगी, उसके बाद की स्थिति होगी द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, यानी जो भूमि की जो मिट्टी थी उसको काट कर और बहा कर ले जाने पर अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुल, कि वास्तव में यह भी बहुत ज्यादा दर्दनाक है या दर्द महसूस कराने वाली है। अप्रियंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, यानी प्रत्यक्ष रूप से ये क्या करती हैं, जो कटे फटे गलियारे हैं या भू जल के बहाव के साथ जो भू कटाव हुआ उसके कारण जो गलियारे से बन गए थे वो वास्तविक तौर पे क्या होते हैं, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, वो वास्तविक तौर पर किसी भी प्रकार की या सभी प्रकार की भूमि के लिए भूमि को असंभव कर देते हैं। यानी जब पानी का तेज बहाव होता है तो उसके साथ है वो मिट्टी कटकर चली जाती है, तो कई जगह गड्ढे नुमा गलियां सी हो जाती है, वो गलियां नालियों जैसे और गलियों जैसे प्रतीत होती है, तो वो क्या करती है, किसी भी प्रकार की कृषि होता है उसके लिए क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल, असंभव हो जाती है। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कैचिंग सोइल इरिगेशन। सडन, अचानक तेज बौछारों के साथ और अत्यधिक यानी मूसलाधार बारिश होना, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में पानी के सरप्लस यानी बढ़ावा देती है, यानी परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े जल को बढ़ावा देती है, और इसका जो मुख्य फैक्टर यानी तथ्य है इनकेजिंग सोइल इरेशन, इस यही एक सबसे बड़ा कारणों की स्थिति में या बहुत बड़ा तथ्य है कि भू कटाव होता है, यानी बहुत तेज बारिश होती है तो उसमें जल का बहाव तेज हो जाता है और उसके साथ क्या होता है, लगातार मिट्टी कटकर बहनी शुरू हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा क्या है, भू कटाव का एक कारण है या मिट्टी कटाव का एक कारण है। कंट्रीब्यूटरी कैजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड रिमूवेबल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ वेजिटेशन द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स अलोंग विद विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम्स एंड द एब्सेंस ऑफ द चिक्स टू सच फ्लो, क्या बताया गया है, और इसके जो सहायक कंट्रीब्यूटरी कैजेज, यानी इसके जो सहायक कारण है वो क्या है, भूमि का ढलान युक्त होना, स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढलान युक्त होना, ठीक है। उसके बाद बताया है रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों का जो भूमि पर वनस्पति युक्त जो क्या था, सुरक्षात्मक जो आवरण था उसको निकाल फेंकना या उखाड़ना। The cages, the existence of the roots along which the water can flow with rapidly gather momentum, और जड़ों का निकल जाना जिसके कारण, या जड़ों को निकाल देना या बाहर कर देना जिसके कारण क्या होता है, वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली, पानी है वो तेज गति से बह सकता है, गैदरिंग मोमेंटम, और उसके साथ गति भी हासिल कर लेता है, यानी क्या है, रिमूवेबल प्रोटेक्टिव जो भी कारण थे, यानी इसके जो सहायक कारण है वो क्या क्या है, भूमि का ढलान युक्त होना, ठीक है, भूमि का ढलान युक्त अगर भूमि होती है तो पानी का बहाव तेज होगा, रिमूवेबल प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी वनस्पतियों को उखाड़ कर या पेड़ पौधों को काट कर हमने क्या कर दिया है, जो भू कटाव न होने के कारण थे या जिसके कारण भू कटाव रुका हुआ था वो कारण हमने क्या कर दिए, घटा दिए हैं, यानी इससे क्या हो गए हैं, भू कटाव की संख्या बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स, जड़ों को निकाल देना जिसके कारण क्या है कि है पानी का बहाव है वो तेज हो जाता है और उसके साथ गति भी हासिल कर लेता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चिक्स टू सच फ्लो, और वास्तविक तौर पर किसी भी प्रकार की रोकथाम के न होने के कारण या किसी भी प्रकार का रोग न लगने के कारण है ये क्या होता है,
बहता रहता है। Incredibly, large quantity of precious soil can be washed away if such condition exists as unhappy to open the case. और वास्तविक तौर पर या अविश्वसनीय स्थिति में अगर हम देखें अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ी मात्रा में कीमती मिट्टी है वो क्या कर क्या हो जाती है बहाकर ले जाई जा सकती है। If such condition exists, यदि इन परिस्थितियों को परित्याग नहीं किया गया इनका अंत नहीं किया गया एज इट अनहैप्पी टू ओपन द गैस तो इस स्थिति में ये बहुत ज्यादा नाखुश करने वाली बन सकती है। यानी अपन को क्या करना है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करने जरूरी है अदरवाइज ये बहुत ज्यादा दुखद स्थिति पैदा कर सकती है। द मैनसे विच सोइल इरिगेशन प्रेजेंट टू कंटिन्यूज ऑफ सक्सेसफुली एग्रीकल्चर इज एन अलार्मिंग ऑन द मैनी पार्ट ऑफ इंडिया कॉलिंग अर्जेंट फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिंग एक्शन। क्या बताया देखिए जो भूमि कटाव का द मैन से विच सोइल इरेशन प्रेजेंट जो वर्तमान में भू कटाव का संकट है जो लगातार कंटिन्यूस ऑफ सक्सेसफुली एग्रीकल्चर जिसके कारण लगातार सफलतापूर्वक कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इज एन अलार्मिंग जो कि वास्तविक रूप से एक चेतावनी युक्त संकेत है वन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया न केवल एक भाग में बल्कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये क्या एक संकेत है या चेतावनी युक्त संकेत है कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन और यह पुकार रहा है या बता रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके रोकथाम की प्रतिक्रियाएं शुरू करनी चाहिए यानी भू कटाव की समस्या के प्रति है वो क्या करना चाहिए रोकथाम के उपाय करने चाहिए और इसकी क्या करने चाहिए इसकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं ट्रेसिंग ऑफ द लैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर कि हमें भूमि का समतलीकरण करना चाहिए यानी जो स्लोप वाली भूमि है उसको समतलीकरण कर देना चाहिए यानी उसको समतल बना देना चाहिए ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर बहाव पानी के बहाव को रोकने के लिए हमें बांध का निर्माण करना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन और हमें क्या करना चाहिए सीढ़ी नुमा खेती का अभ्यास करना चाहिए एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर अमंग द मेजर्स दैट हैव सजेस्टेड और हमें स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से या व्यवस्थित रूप से उनको क्या करना चाहिए वनस्पति युक्त पौधारोपण करने चाहिए वनस्पति युक्त पौधारोपण क्या करने चाहिए ताकि इसके उपचार है वो इसके उपचार हो सके जो हमें सुझाए गए हैं यानी जो सुझाए गए उपचार हैं ये जो सुझाए गए उपचार हैं हमें अपनाने चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट यह स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज बिफोर इट हैज अक्यूर्ड एनी appropriable momentum and a corresponding large destructive power. It is obviously that yes, first है कि the aim should be to check the flow of water. कि हमारा जो उद्देश्य है वो इस पानी को should be check the flow of water. यानी पानी के बहाव को रोक देना होना चाहिए at the earliest possible stage. यानी जितना जल्दी या जिस अवस्था में यह संभव हो सके उस संभव अवस्था तक हमें इसको रोक देना चाहिए बिफोर इट हैव एक्यूट इससे पहले कि यह कोई गंभीर एक्यूट द एप्रोसिएटेबल मोमेंटम यानी यह काफी तेज उल्लेखनीय गति प्राप्त कर ले और कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रैक्टिव पावर और यह एक बहुत बड़ा भयानक या विनाशात्मक शक्ति हासिल कर ले उससे पहले हमें क्या करना चाहिए इस सोइल इरिगेशन की समस्या को रोकना चाहिए। ये था आपका 5 नंबर पैराग्राफ जिसका मीनिंग्स हमने लिखा मीनिंग्स लिख के इसका पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन देखा आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आज के लिए इतना काफी होगा सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज गुड बाय हैव ए नाइस डे।